हाय ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है द मोमेंटम ट्रेडर में। ट्रेडर्स, आज हम एक इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इस पे दो तरह के स्ट्रैटेजीज़ हो सकते हैं, एक तो आपका होता है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी और दूसरा आपका हो सकता है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आज फिलहाल हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करेंगे, रिवर्सल हम बाद में कभी करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है। इंडिकेटर बहुत अच्छा हेल्पफुल इंडिकेटर है और इसके रिलेटेड आप कैसे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं, ट्रेंड को कैसे आप जान सकते हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आप चाहे तो इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो पोजिशनल भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आप दोनों के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं पे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। तो आज हम जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हो है क्लेंथनर चैनल। अब ये जो इंडिकेटर है ये आपको केसी, मतलब आप अगर केसी आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे आप जाएंगे, फिर के टाइप करेंगे, जैसे ही आप के टाइप करेंगे तो आपको केसी इंडिकेटर मिल जाएगा, क्लेंथनर चैनल मिल जाएगा। अब ये जो इंडिकेटर है इसके कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, तो आप इसी सेटिंग्स को रख दीजिएगा, कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, इसको आप चाहे तो 2 कर सकते हैं, लेंथ को आप 20 के जगह कुछ और कर सकते हैं, या आपके ऊपर है, लेकिन आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं अपने सुविधा के लिए बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ और ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पर प्लॉट हो चुका है। आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर को इनेबल भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ये कुछ हद तक आपके बॉलिंजर बैंड के तरह ही काम करते हैं। बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, आपके एक जो चार्ट है इस चार्ट के दोनों साइड में एक बैंड बन जाता है और ये बैंड आपको गाइड करता रहता है। जैसे जैसे चार्ट चलता है उसी हिसाब से गाइड करता है और उसी हिसाब से बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी हम लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर आपने बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजीज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में बॉलिंजर बैंड का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है। आपको देखिए जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो स्टॉक है ये TCS का स्टॉक है, मैंने रैंडमली लिया हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम में ये TCS का जो स्टॉक है इस बीच में कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा था, कुछ खास मूवमेंट हमें नहीं दिखा और इसी के बीच में ये जो TCS है ये अपना जो चैनल है इस चैनल के अंदर ही रह गया, मतलब जो क्लेंथनर चैनल है इसी के अंदर रह गया था, ना इससे बाहर निकला ना ही कुछ और हुआ, बस इसी के बीच में चलता रहा। लेकिन जैसे ही इस पर एक अच्छा मोमेंटम दिखा, मतलब एक डाउनसाइड मोमेंटम जैसे ही दिखा, तो देखिए यहाँ पे ये क्लेंथनर चैनल से बाहर निकल के एक अच्छा मोमेंटम दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए दो स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक तो हम जैसे कहे आपको कि एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी हो सकता है या फिर एक दूसरा स्ट्रैटेजी जो हो सकता है वो है रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो आज हम रिवर्सल के ऊपर बात नहीं करेंगे और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रिवर्सल ट्रेडिंग आप करेंगे तो हो सकता है मतलब आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिवर्सल ट्रेडिंग आप कर रहे हैं मतलब आप ट्रेंड के ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझिए यहाँ पे ये गिर रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, तो आप ये जो ट्रेंड नेगेटिव साइड में जाने का कोशिश कर रहे हैं और अब इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए, यहाँ पे आप नाकाम हो जाए। तो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे है कि स्टॉप लॉसेस थोड़े बहुत छोटे भी होते हैं और यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रिस्क टू रिवार्ड या फिर फिक्स्ड स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट रख के काम करना पड़ता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा वहाँ पे खास चलता नहीं, क्योंकि आपको छोटे छोटे टारगेट्स के लिए काम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम रिवर्सल ट्रेडिंग को बाद में देखेंगे, पहले हम फिलहाल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये जो चैनल है आपको सिंपली ध्यान रखना है, जैसे हमने बॉलिंजर बैंड में भी बताया था कि बैंड आपके चलते हैं और बैंड के बीच में कभी कभी बैंड बहुत स्क्वीज हो जाते हैं, जो जैसे ही बैंड स्क्वीज हो जाते हैं उसके बाद जो बैंड ओपन होता है तो आपको वहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाते हुए दिखता है और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। तो इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली वेट करना है कब जाके आपका ये जो स्टॉक है या फिर जो चार्ट है जो भी हो या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ये चैनल के बाहर निकलता है, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका ये जो स्टॉक है इसने ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था,
इस कैंडल पे इसने ये चैनल के बाहर निकल गया था और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो आपको क्या करना है, आपके सिंपली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, तो जिस कैंडल में इसने अपना जो चैनल है इसको तोड़ा है, आपको उस कैंडल के हाई और उसके लो को मार्क करने हैं। और अगर जैसे ही ये लो के नीचे ट्रेड करने लगा, आपको सेल, मतलब आप सेल कर सकते हैं, और हाई के ऊपर गया तो आपको कुछ ट्रेड नहीं लेना है, हाई में आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव साइड ट्रेड हो रहा है। सिंपली अगर यही चीज़ ऊपर की तरफ होता, ऊपर की तरफ कैंडल अगर निकलता, तो आपको बस बाय साइड ट्रेड करना होता और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस रह जाता। तो यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस का एरिया है। और एक एरिया में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जैसे आप अगर समझिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है जिसने इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो अगर आपने इस लो के नीचे सेल किया है तो आप इस हाई के जगह ये जो मिडिल पॉइंट है इसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर अगर आप लगता है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, तो आपके जो हायर लेवल है चैनल के जो हायर पॉइंट्स है इसको भी आप स्टॉप लॉस की तरह मान सकते हैं। ये आपके ऊपर आप किसको स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। सिंपली आपके लिए तीन स्टॉप लॉस ऑप्शंस रहते हैं, एक तो इस जो कैंडल ने इसको ब्रेक किया उसी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, या फिर मिडिल पॉइंट पे स्टॉप लॉस, या फिर जो आपके अपर रेंज है अपर रेंज पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग को इजीली यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर आप इस लो के नीचे सेल करते तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिर से इसने चैनल के बाहर क्लोजिंग दिया हुआ था, लेकिन ये एकदम एंड टाइम में था तो इसको हम ट्रेड नहीं कर पाए और कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये था आपका डाउन साइड। अब एक बाय साइड भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बाय साइड ट्रेड आपका मिला था और ये ट्रेड तो वैसे भी बहुत बड़ा ट्रेड हो चुका था क्योंकि यहाँ पे आपका बाय एंट्री था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, तो प्रोबेबली इस तरीके के ट्रेड को अवॉइड करना ही सही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रेड करते तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले होते, लेकिन ये बात श्योर है क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा था, तो जितना आपका रिस्क है उतना रिवॉर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिला होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे पीछे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेल साइड ट्रेड ट्रिगर हुआ था, यहाँ पे बाय साइड ट्रिगर हुआ था पहले, लेकिन ये जो टाइम है ये ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास था, तो ये इस वक्त में ट्रेड लेना आपके लिए कुछ खास सही नहीं होता, तो इसको अवॉइड करना ही सही रहता आपके लिए। यहाँ पे देखिए इस जगह में आपका एक ट्रेड ट्रिगर हुआ था लोअर साइड में, और ये जो लो है इस लो के नीचे अगर आप सेल करते तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इस लेवल तक ज़रूर मिल जाते, और फाइनली जाके अगर आप इसको होल्ड भी कर जाते आपको इस हिसाब से ये जो रिस्क है इस हिसाब से आपको अच्छा रिवार्ड भी मिल गया था, 1:1 मिनिमम तो मिल ही गया था, लेकिन अगर आप इसको लास्ट तक होल्ड करते तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी देने पड़ते। तो हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है क्योंकि आप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। उसके अगले दिन देखिए यहाँ पे 22nd को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड इस लेवल पे ये आपका ट्रेड का एंट्री था, यहाँ पे आपको एंट्री मिला और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हो गए। यहाँ पे आपको दूसरा एंट्री मिल रहा था लेकिन ये एंट्री आपको हुआ नहीं क्योंकि इसके नीचे कैंडल गया नहीं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री मिला, ये आपका एंट्री पॉइंट था, इसके ऊपर आपको बाय करना था, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल था। उसके बाद ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा था और सेम ही डेट में हुआ था। देखिए ये 22nd चल रहा है, मतलब सेम डेट में ही आपको एक यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, तो यहाँ पे आपको जो भी स्टॉप लॉस देने पड़े थे वो यहाँ पे आपके निकल गए थे। तो उस हिसाब से ये भी ध्यान रखिएगा कि आपकी इस सिस्टम में स्टॉप लॉस लगेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है, स्टॉप लॉस कभी भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेड करते रहना है। और इस हिसाब से देखिए यहाँ पे जब ट्रेंड अच्छा मिल रहा था तो बहुत अच्छा ट्रेंड आपने कैप्चर किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस जब आपके गए तब छोटे स्टॉप लॉस यहाँ पे गए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 21st का डेट है, यहाँ पे आपको पहला ट्रेड में शायद स्टॉप लॉस लगा होगा क्योंकि आपका एंट्री या तो इस कैंडल के हिसाब से आप कह सकते हैं, नहीं तो इस कैंडल के हिसाब से भी आप कह सकते हैं। तो इस कैंडल के हिसाब से आपने एंट्री किया तो यहाँ पे आपका ट्रेड ऊपर गया फिर नीचे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, और यहाँ पे भी अगर आप कहेंगे तो इस कैंडल के हिसाब से ये थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद जाके आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ट्रिगर हो गया था, फिर आपको नीचे के साइड ट्रेड मिला इस कैंडल के लो के टूटते, इस कैंडल के लो के टूटते जब आपने ट्रेड लिया तो ये ट्रेड देखिए बहुत अच्छा एक नीचे के लेवल तक गया था, तो आपको इतना सा स्टॉप लॉस था और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था जो कि आपके ये जो स्टॉप लॉस है इसको भी कवर कर रहा था, तो ओवरऑल आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहते थे। तो इस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये था इंट्राडे। अब इसको ही अगर हम पोजिशनली देखेंगे तो समझिए हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और अगर आप पोजिशनली ट्रेड करते तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको पहला ट्रेड कहाँ पे मिला होगा, तो एकदम एंड में चलते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए एक अच्छा ट्रेड आपको दिखेगा,
जैसे इस लेवल पे, यहाँ पे देखिए TCS ने अपना जो अपर चैनल का अपर रेंज है उसको ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, और जैसे ही ये ब्रेकआउट किया आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, और ये आपको एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेके गया था। अगस्त के महीने में ये ट्रेड आया था और ऑलमोस्ट सेप्टेम्बर मिड या फिर अक्टूबर के शुरू के मतलब कुछ दिन पहले तक ये ट्रेड आपका चला था, और बहुत अच्छा मूवमेंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। इसका जो हाई था वो था आपका 3290 मतलब 3300 या आप ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए, और यहाँ पे जो हाई लगा था वो था 3980 यानी कि आप ऑलमोस्ट 680-700 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, जो आपके लिए आप कह सकते थे मतलब ऑलमोस्ट 20-25% का गेन TCS में आपको मिल जाता आराम से। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ट्रेड मिला था इस कैंडल में, लेकिन इसमें आपको शायद स्टॉप लॉस अपना हिट हुआ था क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद जाके नीचे आ गया था, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए दिख रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी छोटे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए थे और यहाँ पे जाके आपको फाइनली एक अच्छा ट्रेड मिला, और ये ट्रेड भी आपको काफ़ी लंबा लेके गया। तो यहाँ पे आपको दो स्टॉप लॉस मिले इस ट्रेड में और इस ट्रेड में, और यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिला। तो पहले एक टारगेट यहाँ पे मिला था, दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे मिला, और बीच में दो दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी आपको देने पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रेड में ऐसा नहीं है कि आपको 100% यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड ही दिखेंगे, लूजिंग ट्रेड भी आपको दिखेंगे, लेकिन जहाँ पे आपको लॉस मिल रहा है आप उसको लॉस को बुक कर लीजिए, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलते रहिए, और एंड में जाके आपको अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो इस सिस्टम को पहले आप अच्छे तरह से समझिए, इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आता है तो इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर जो रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको भी बताने का कोशिश करूँगा, और इसी के साथ कुछ और चीज़ों को अप्लाई करके आप कैसे इसको और भी बेटर बना सकते हैं उसी के ऊपर भी बात करूँगा। फिलहाल आप समझ सकते हैं इसका जो सक्सेस रेट है 60-70% के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आपको अच्छे ट्रेंड मिलेंगे तो इससे आपको अच्छे ट्रेंड फाइंड आउट करने में मदद मिलेगा, और ट्रेंड को आप बहुत दूर तक मतलब लंबा ट्रेंड अगर चलता रहा तो आप उसको कैप्चर भी कर पाएंगे बहुत इजीली, और जब आपके स्टॉप लॉस होंगे तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, एक बार में समझ में ना आता है तो 2-3 बार जाके देखिएगा। उसके साथ ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आने वाले टाइम में आप और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। उसी के साथ अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो आज यहीं तक रखते हैं, आने वाले टाइम में मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।